महिलाओं में जब कैंसर डायग्नोस होता है तो ऐसा क्या है कि 20% केसेस ही अर्ली स्टेजेस में होते हैं और 80% केसेस एडवांस स्टेजेस पर होते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसा क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। आज आपको इसीलिए जागरूक करने आया हूं कि क्या है रीजन कि महिलाओं में, लड़कियों में कैंसर हमेशा लेट स्टेजेस में डायग्नोज हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में उनकी बात सामने रखी ही नहीं जाती। आज तक 70% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी अगर ऐसे चेंजेस दिखते हैं महावारी में, या कोई भी अगर ऐसा लंप दिखता है छाती में, तो वो जाकर कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती, वो बता ही नहीं पाती, वो करेज ही नहीं जुटा पाती। और उनका घर का हाउस होल्ड में उनकी जो भी दिक्कतें चल रही होती हैं, जो भी लाइफस्टाइल चल रहा होता है, जैसा भी है, बट दे आर नॉट रेडी टू शेयर विद देयर पेरेंट्स, एंड देन वहां से दिक्कतें शुरू होती हैं। उसके बाद जब वो शादी कर लेती हैं, शादी करने के टाइम पे वो उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देती हैं, कभी भी उसको डायग्नोस नहीं कराना चाहती। मन में डर आ जाता है कि गांठ जो है, अरे कोई बात नहीं, कोई चोट लगी होगी, पानी की गांठ होगी, दूध की गांठ होगी प्रेगनेंसी के बाद, तो वो उसको समझते हैं कि एक नॉर्मल सिस्ट है जो शायद रूटीन है और ये हो जाती है। पीरियड्स के टाइम पे जगह जगह अगर ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है, हैवी हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि ये रूटीन ही है, शायद लंप भी रूटीन ही है, शायद गांठ होना भी रूटीन ही है, और यहां से लापरवाहियां शुरू होती हैं। क्यों ना ब्रेस्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए एज पेरेंट्स हम पुश करें, हम उन्हें बार बार एजुकेट करें। एज पेरेंट्स जरूरत है ये समझने की कि अपनी लड़कियों के साथ जब आप उन्हें महावारी की दिक्कतें बताते हैं, जब आप उन्हें पैड्स यूज करना बताते हैं, तो आप उन्हें लंप के बारे में भी एजुकेट करें। आप उन्हें ये एजुकेट करें कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी है। आप उन्हें ये एजुकेट करें कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर अगर इररेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, इररेगुलर महावारी आ रही है, प्लीज इन्फॉर्म करें। और इसको लापरवाही ना बरतें, इसको ये ना समझें कि अरे ये तो शायद होता है, रूटीन में ही होता होगा। और कितनी बार शर्म शर्म में वो लड़कियां बताना नहीं चाहती। अगर हमें अपने देश में कैंसर को खत्म करना है तो जरूरत है एजुकेशन की, जरूरत है अवेयरनेस की। अवेयरनेस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जितना हम बीमारी को प्रिवेंटेबल करेंगे, जितना हम बीमारी के लिए एजुकेट करेंगे, उतनी जल्दी हम समय रहते हुए बीमारी को पकड़ सकते हैं। ऐसा कितनी बार पॉसिबल है कि हो सकता है शायद अर्ली स्टेजेस में बीमारी कार्सिनोमा इन सीटू हो और आपने उसको पकड़ लिया और उसको समय रहते ही ट्रीट कर दिया, देन इट इज 100% क्योरेबल। बट क्योंकि लापरवाही होती है, अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता, एंड वहां से कहानी शुरू हो जाती है, वहां से स्थिति खराब हो जाती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। अगर आपके परिवार में लड़कियां हैं, अगर आपके दूर रिश्तेदारी में लड़कियां हैं, क्या आपने पूछा कि 9 से 26 साल में उन्होंने HPV वैक्सीन लगाया? द आंसर इज नो, हार्डली 10%। वो 90% लड़कियों के बारे में कोई नहीं सोचता कि उन्हें HPV वैक्सीन की जरूरत है। देयर इज नो एजुकेशन। क्या उन लड़कियों को जब आपने पीरियड्स के लिए, मेनार्क के लिए बताया कि इस तरीके से इस एज में पीरियड स्टार्ट होंगे, तो क्या आपने उसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एजुकेट किया? क्या आपने उसको ये भी एजुकेट किया कि बेटा अगर कहीं कुछ तुझे कोई गांठ दिखाई दे या कुछ महावारी में कुछ डिफरेंसेस पता हो, तो बेटा अपनी मम्मी को जाके शेयर करना, अपने पापा को कंफर्टेबली शेयर करना। माँ बाप के साथ तो हर कोई फ्रेंकली बात कर सकता है, तो एटलीस्ट एजुकेशन जरूरी है, बात करना जरूरी है, टॉकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये कम्युनिकेशन हमेशा जितना ज़्यादा ओपन रहेगा, उतना ईजी रहेगा कैंसर को जल्दी पकड़ना। प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके घर में लड़कियां हैं, ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके घर में बच्चियां हैं बट शायद उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों से बात ही नहीं करी। प्लीज़ शायद ये आपका वीडियो शेयर करना किसी की ज़िंदगी बदल दे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।